सारी लाइट्स ऑफ करके पार्टी पेपर फोड़ेंगे और बहुत मजा आएगा ये। ऐसा अगर कोई लड़का मेरे लिए फूल बनाए तो ये राबे ने किया है। पापा का फटा है, बताओ तुम्हें इतना खुश हूँ। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कोई अरेंजमेंट वगैरह करें, कुछ सेलिब्रेट करें, तो आप ही तो माशाल्लाह से कराची गई हुई थी, तो हमने सोचा कि उसके आने से पहले पहले मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट करती हूँ। हमारे सिस्ट्रोलॉजी के 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया यार, तो पूरे अरेंजमेंट करके सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ही जब आएगी उसको सरप्राइज देंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी खैर मैं जा रही हूँ सामान वगैरह लेने के लिए जो हमने डेकोर के लिए यूज़ करना है, केक सामान सब। और आप ही भी शाम तक आती होगी, जब आप ही आएगी तो उसको हम फुल सरप्राइज देंगे कि वो हमने पहले से सेलिब्रेशन करके रखी हुई है। तो चलो और गाइस ज़ैनब को मैंने रेडी कर लिया, ये भी मेरे साथ सामान वगैरह लेने जा रही है। जा रही हूँ मैं, रेडी वगैरह नहीं करवाऊंगी। क्या मतलब रेडी? मेरे साथ डेकोर बच्चे आप ही ने करना है, ठीक है? वो नहीं करा सकूंगी क्योंकि मैंने जाना है। कहाँ जाना है? जैना मेरे साथ डेकोर करवाएगी। और मम्मा कहाँ है? मम्मा को मैं रेडी कर लिया, मम्मा भी मेरे साथ आ रही है। और इधर पापा लेके जाएंगे आज। ये पापा जी आपको खुशी हुई आप ही के 3 मिलियन हो गए? और क्या मतलब के 30 लाख? ओ माय गॉड कितने ज्यादा होते हैं। हाँ मम्मा जल्दी आप भी तैयार, जो लेट हो रहे हैं। तो हम लोग को फातिमा तुम्हें खुशी हो रही है की हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए यार? खुशी हो रही है? हाँ। तो चाय पी चस्का ले रही है, सबसे कह रही है हाँ। चलो गाइस आ जाओ फिर, आप भी आ जाना यार, मुझे डेकोर का भी टाइम चाहिए, जल्दी निकलो यार। यहाँ पे हम लोग सारा सेटअप करेंगे आज, राबिया के सुपुर्द पूरी डेकोर करना। और मैं सोचा उसको इतना फैंटास्टिक सरप्राइज दूंगी ना, मतलब सारी लाइट्स ऑफ करके पार्टी पेपर फोड़ेंगे और बहुत मजा आएगा ये। तो यार हमारी गाड़ी आ चुकी है, बट ज़ैनब आई। ज़ैनब यार आज जो लेट हो रहे हैं यार, डेकोर करना यार इतना काम है यार। यहाँ से एक फाउंटेन बहेगा और यहाँ पर आएगी झूमर लगेगा शांति प्रिया का। अभी आइए ये और फिर चली गई ज़ैनब, यहीं पे इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश, इसी झूमर के नीचे लगेगा डेकोर। चलो जल्दी, और पापा गुस्सा कर रहे हैं यार। चलो पता चले हम लोग सामान लेकर आए और आप ही ऑलरेडी आ चुके हो, मुझे है उसकी फ्लाइट जल्दी ना पहुंचे, वो अभी मेरे ख्याल से 2 घंटे हैं उसको आने में, तो आराम से हम लोग सामान वगैरह लाके डेकोर कर लेंगे। चलो यार निकलो जल्दी। यार ये ज़ैनब इधर बैठे बैठे ही सो गई है, और इधर हम लोग कब से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पीछे से आप ही आ भी गए और आप ही के आने का एग्जैक्टली टाइम भी होगा मुझे लग रहा है, वो आ जाएगी और हम मेरी सारी तैयारियां डिशूम हो जाएंगी। कब तक रहेगी यार ट्रैफिक? ज़ैनब उठ जो हो, चलो इसको सोया रहने दीजिए। और यार सो फाइनली इतने ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए, और ये देख लो जरा बाबा बाहर गए हैं देखने के लिए और हमें बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं वो। यार यहाँ पे काफी ज्यादा प्यारे प्यारे बलून्स हैं, कौन से ले यार जो खुशी हमारे ये वाले ले ले। लेकिन मैं कह रही थी छोटे साइज के लिए तो ज्यादा पूरे आ जाएगी, तो एक ही नहीं पूरा, फूल भी ले लें थोड़े से आप ही के लिए। कुछ ये वाले कर लेते हैं, कुछ ये कलरफुल वाले कर लेते हैं। मुझे ना ये भी चाहिए, ये 1 मिलियन भी हम फुला रहे हैं। और हम लोगों ने और पार्टी पेपर ये भी ले लेते ना, वो पीछे लगा लेंगे हमारा 3 यार। ये मम्मा लेकिन बहुत छोटे अल्फाबेट्स नहीं है ये? मैं ना एक्चुअली पूरी डेकोर जो है वो पिंक कलर की कर रही हूं। देख लीजिए सारा सामान हमारा घर पे ही पड़ा हुआ है ना, पीछे ऐसे लग जाए यूं करके, नहीं है कुछ। ये टेबल भी ये भी यूज कर सकते हैं, अब गंदला नहीं लेना है, मम्मा गुस्सा कर रही है। और बलून्स कौन से कलर के? बलून्स भी मैंने पिंक कलर के लेने हैं, सारा पिंक डेकोर करूंगी आज। राबिया अपनी मर्जी का काम करेगी ये। हाँ ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5 ये कर दे। नहीं ये वाला पिंक नहीं, ये हमारे गाइस बलून्स आ गए उधर, तो बहुत हार्ट वाले भी ना ले लें, काफी है इतने काफी। फूल भी ले लें, फूल राबिया को साथ रख देंगे, राबिया फूल। अनार कैंडल्स लेने यहाँ से? हाँ वो तो लेनी चलाने वाली। और वगैरह बड़ी मुश्किल से हम अंदर फिट करने लगे हैं, दुआ करो फिट हो जाए इनको किसी तरह अंदर। कुछ को इधर कर दे, कुछ को पीछे कर दे। पिंक कलर मेरा फेवरेट, जो पिंक डेकोर कर फट फुटा जाए डिग्गी बंद होने से। अबे को गुब्बारों के साथ उठा दे। नहीं फटे नहीं फटे, क्या हो गया? चलो यार हम पिंक फुल डेकोर का बहुत मजा आएगा। फ्लावर्स हैं इतने प्यारे प्यारे, वाओ ये वाले प्यारे हैं मम्मा, ये ओरिजिनल है, ये प्यारे हैं ना, ये वाले ले लो। जितने भी आपका पिंक है ना सबका मिक्सचर पिंक का कर दे, ये वाले पिंक ऐड कर दें और ये वाले पिंक डिफरेंट शेड्स के पिंक कर दें। यार ऐसा अगर कोई लड़का मेरे लिए फूल बनाए, मैं आए कितने प्यारे हैं ये वाला फूल। चलो इनके ना साइड पर रैपर कोई प्यारा सा चढ़ाना, ट्रांसपेरेंट कर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कोई ऐसे ही रखना नीचे बस ना, इसके धागा घुमा दें, हमने ट्रांसपेरेंट ऊपर लगाना, ऊपर ही आ जाता है शादी वाली लुक आ जाती है ना, हमें शादी लुक नहीं चाहिए, हमें लड़की लुक चाहिए। ओके गाइस सो फाइनली हमारे ये रेडी हो चुके हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ये हमने इनको पैसे जैसे
भी दे दिए, लो हमारा सामान भी आ गया, अब गाड़ी में बैठते हैं, अब घर जाके डेकोर का काम है। ज़ैनब ये देखो आपके लिए, आवाज़ ज़ैनब का हाल है, हमारे बलून आ गए, वाओ। और ये ज़ैनब ने कोई इंजॉयमेंट नहीं किया है, मेरे फूल यहाँ पे पड़े हैं और ज़ैनब मेरी गोद में आकर सो गई है, दो फूल मेरे साथ बैठे हुए हैं, वाओ। और तीसरा फूल यहाँ पर है, पारी है किसकी, केक की, अब केक लेंगे और केक के बल खुआएंगे और मैं खुद लिखूंगी। ज़ैनब आहिस्ता से ज्यादा ही नहीं फ्री हो गई है, पूरी लेट गई और मेरे फूलों को जगह नहीं दे रही, इतनी लंबी लाइन ऊपर लगी हुई है। और आप ही ने 7 बजे पहुंच जाना और 6:40 हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं तैयारियां कर पाऊंगी, ऐसी बस जाके ना हवा में सारे बलून फैला दूंगी। जल्दी जल्दी ट्रैफिक खत्म करो यार, चलो अच्छे अच्छे से हम लोग अब केक लेते हैं और 3 मिलियन लिखवाएंगे। कितनी प्यारी हवा चल रही है, ज़ैनब भी आ रही है, आओ कैमरा किसे पकड़ना है, मेरे 3 मिलियन लिखना है ना, हाथ से लिखूंगी। ज़ैनब पूरा टाइम सो के भी जा रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, हवाओं को भी पता है कि राबिया ने सेलिब्रेशन करनी है। अंदर जाके हम केक सिलेक्ट करते हैं यार, इस दफ़ा हमने वाइट लेना है क्योंकि वाइट नहीं लेते, तो ये वाला पापा जी ये ले लेते हैं, हाँ ये 3 मिल्क वाला ही है ना, हमें वो दे देना, हमें लिखना खुद है, ठीक है। तो हम 3 मिल्क ले रहे हैं, अब हम ऊपर लिखेंगे जाकर फॉलो में, और डोनट्स भी ले लें वो उधर जाके लिखते हैं, हमारा स्टाइल है, पापा को पता ही नहीं है कि इन्होंने ये ऑप्शन भी रखी है, पिंक से लिखेंगे। ओके सो फाइनली हम लोग लिखने लगे हैं 3 मिलियन ना, मैं अपने जैसा ना लिखो, ये क्या है, ये 3 है, मैं लिखो रबर जल्दी करो, क्या कचरा नहीं उसको मोटा आता के दिखे ना, अपने जैसा कचरा चुप कर दो, तुम लोग भी कर दो, मुझे थोड़ा डेकोरेट करने दो यार, थोड़े हाथ में चल, ज़ैनब ने यहाँ से खराब कर दिया गाइस, एम को देख लो, एम को एक डंडी तुमने मोटी कर दी और एक डंडी मोटी कर दिया खराब, ये बड़ी वो अम्मा दादी बनी थी, मैं करूँगी और सारा खराब करती हूँ, यहाँ से तुमने मोटा कर दिया उसको, उसको उल्टा कर दिया, मेरे एम तुम खराब करती हो ना, फिर बताती मैं, नहीं मेरे पास यहाँ पापा ने दे दिया, वैसे आज पापा है ना हमारे साथ, आज पापा हर जगह पैसे दे रहे हैं, तो मैं बड़ी खुश हूँ, यू नो हमारा हमारा बैंक अकाउंट हमारे साथ है, अब हम हमने ना क्या है पैक करके भेज दें, हमने ना डोनट्स भी लिया, हम डोनट्स भी खाएंगे, मम्मा बेचारी अकेली बैठी हुई है, मम्मा को बता दी तुम्हें मैंने एम खराब किया है, ज़ैनब जो मेरे फ्लावर्स खराब हो जाएंगे तुम इधर से आओ, फूलों को कुछ ना कहना, मैं बता रही हूँ मम्मा इसने एम खराब किया ज़ैनब ने मेरा, बदतमीज लड़की। ओके गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँचे हैं, हम ये तो खा पी लिया, हम पकड़ते हैं जी फ्लावर्स, ब्यूटीफुल से फ्लावर्स पिंक, और वो एक फूल उतर ही नहीं रहा गाड़ी से, ओ मैं मम्मा को फूल कह रही हूँ, और ये पीछे देखो सही, मैंने पता है इतना संभाली, तुम तो सोई मरी पड़ी थी, पता ही नहीं, खोलो पीछे डिग्गी खोलो, उड़ ना जाए, ना 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 पापा करेंगे, पापा जी आप खोलो उड़ ना जाए, वो फातिमा को मिलाती हूँ उसके साथ बैठ के डेकोरेशन करूंगी, पापा बलून से कराएंगे, पापा फुल मेहनत कर रहे हैं, पापा ने इतनी मुश्किल से सामान पकड़ा हुआ, आ जाओ इधर रख देते हैं, ये आप भी अंदर ले जाए, इधर रखते हैं, हाँ इधर उड़ेगा, पिंक डेकोर करते हैं, फातिमा पहले तैयार होकर बैठी है, ओह चलो यार अब शुक्र आपकी अभी तक नहीं है, 7 बज चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी पहुंच चुकी है, वो अरीब भाई की तरफ है, ठीक है मैं अरीब भाई से बात करती हूँ, उनको कहती हूँ कि आप ही को 8 बजे तक लेकर आए ताकि मैं डेकोर वगैरह कर लूँ आराम से। और गाइस सो हम लोग फाइनली डेकोर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और ज़ैनब यहाँ से दुम छुपा के निकल रही है, अपनी ट्यूशन जा रही है, ठीक है, तो मेरी इस मोमेंट पे अगर हेल्प ही ना कर सकती तो मेरी इस मोमेंट पे, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, तुम अगर इस टाइम मेरी हेल्प ही ना कर सकती तो बहन नहीं होती, मम्मा इसको कहे मेरे साथ हेल्प करवाई, दुम छुपा के निकल रही है, चंगी तो तुम नहीं हो, वो तो सबको ही पता है, आत्मा प्लीज आके तुम मेरी हेल्प कर दो डेकोर करने में सारा, हाँ मैं आ रही हूँ, बलून्स भी पिंक रखे हैं, सब कुछ पिंक है, आज राबिया के अकॉर्डिंगली हो रहा है सब, अब मुझे होना पड़ेगा एक्टिव, तो राबिया भागो हमारे पास, मेरे पास ना और भी काफी सामान है डेकोर का, वो ऊपर से लेकर आती हूँ, लेट हो गई हूँ, जल्दी 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 जल्दी, ये मुझे सामान मिला है, अरीब भाई से बात हो गई है, आपकी अरीब भाई की अगर वो पूरे 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है तो जल्दी भागो राबिया, तो ये वाला जो बलून खरीदे सबसे पहले ये फुलाते हैं सारे, फातिमा आ जाओ बलून फुलाने के लिए आ जाओ, 10 मिनट ओहो क्या, मैंने अकेली ने बैठे बैठे सारे बलून फुला लिए, फातिमा माशाल्लाह से वीडियो एडिटिंग में लग गया, फातिमा बस कर दो, अच्छा यार हमने वहाँ से ये ली थी, इसको हमने कुछ कैसे लगाएंगे, लंबी लंबी इनको यहाँ पे हम लटका देते हैं, और यार इसके ऊपर स्पेशल स्टूल पे चढ़ के जो है ना लगा रही हूँ, कि मेरी माशाल्लाह से हाइट इतनी लंबी नहीं है, तो ये
आप ही देख लो कितनी मेहनत कर रही हूँ, छोटी सी जान कितनी मेहनत करे यार। और गाइस मैंने बहुत ही मुश्किलों से ये लगा लिया पीछे, अब मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या करना है। मैंने वो छोटे वाले बलून जब लेकर आती हूँ वो इधर इसके ऊपर लगाती हूँ, ठीक है। अल्लाह बस कुछ हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रही हूँ, बस पता नहीं। और गाइस मैंने अभी फिलहाल ये 3 मिलियन इधर लगाया, इसके बाद मुझे कुछ समझ, अब ये वाले बलून को मैं साइड पर कुछ बाउंड्री बनाती हूँ, फिर आगे हम कुछ करते हैं। अब वो बलून का उड़ के चला गया और ये भी मैंने नीचे 3M लगा दिया है। बहुत मेहनत लगी है बट फाइनली हो गया। मम्मा और फातिमा को बुलाती हूँ, आके देख लो मेरा डेकोर कैसा है। तो ये राबिया ने किया है, फातिमा मैंने फाइनली डेकोर कर लिया, तुम्हारे उठने की जहमत ही नहीं पड़ी है, आके देखो कैसा हुआ है। मैं आकर के उसमें तुम्हारी हेल्प करती हूं। हेल्प नहीं, बस अब तुमने अपना एक्सप्रेशन देना है। नुक्स निकालूंगी, जो नुक्स देख लो खराब, आई भी नुक्स निकालने आ रही हूं, प्रूफ करूंगी 2 मिनट दो। ठीक है मम्मा आए, आपको तो पहले दिखाऊं, जल्दी आए मेरा डेकोर देखें। हां समझे आप, आप गाइस हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि मम्मा आप ही वहाँ लग गया। डेकोर वाले को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, किसी ने भी डेकोर करवाना हो तो रब्बे से रब्ता। हाँ फूल तो रखे नहीं मैंने, फूल लेकर फूल फूल फूल। और गाइस स्पेशल फ्लावर्स में आप के लाई थी, इसके अंदर हम लोगों ने पानी डालना है। मम्मा ये हाँ अंदर पानी डालें, ये लो जी मम्मा ने इसे पानी डाल दिया, अभी हम बाहर जाके रखेंगे। मम्मा दो खोलना, हेल्प करें, आप ही आने वाली है। मैंने अरे भाई को वो कहते हैं आप ही अब 9 बजे तक आएगी, आराम से करो। मैंने कहा शुक्र है मैं आराम से सारा डेकोर कर लिया, और ये हम इधर रख देंगे। हाँ ब्यूटीफुल यार, मम्मा कितना प्यारा लग रहा है, मुझे पूरा पिंक चाहिए था। ओवरऑल गोल्ड मेडल मिलता है अपनी को, ये गोल्ड 3 मिलियन मिला है। मैं सोचू ये उतार ना दू ये वाला, क्यों अच्छा लग रहा है क्योंकि वो पिंक मेरा ओवरऑल खराब नहीं कर रहा। वो तुम ये भी वाइट लेती क्या? हाँ फातिमा पहले ही बाहर चली गई, अभी नहीं देखना था फातिमा यार क्या। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हेल्प की है देखने। बाद में ये देखो मेरी टेक्निक चेक करो। मैंने ये कैसे खड़ा किया हुआ है, पत्थर की तरह खड़ा कर दिया मैंने ना, ये नीचे फुल टेप पे लगाई है, पीछे वाला सही लगे, पिंकी पिंक के फ्लावर्स देखो मेरे। और मैं तो कही थी हम लोग ने जो अपने ताज बनाने हैं ब्राइडल शावर के, वो भी इन्हीं फूलों के ना बनवा लें, वो तो बने बनाए लेंगे ना। हाँ वो मैंने बनवा लिया, मेरा ताज वाली मुझे डीएम करें। तुम खराब करने आई हो, आप भी बस आती होगी, आप ही को टाइम। फातिमा तुम पागल हो फातिमा, मैंने इतनी मेहनत देख रही हूँ कि इसके साथ रस्सी के साथ लटका जाता है कि नहीं। नहीं मैं तो बताती हूँ, इतनी टेपे लगाई हुई पर सही लग रहा है डेकोर। मेरा फेवरेट कलर आया है, पिक्चर ले लो फातिमा। तुम ना यार उतरेगा यार ना करो खराब हो जाएगा। तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, मैं तुम्हें चढ़ने लगाऊंगी फातिमा के फट जाए फिर बताऊं तुम्हें। चलो ये टेपे यूज किए मैंने, पता है जो स्टूल्स पे चढ़ चढ़ के सारे काम किए हैं। इधर आओ अपने पे लगा दो, अपने पे लगा दो एक दफा। अब बोल के दिखा मैं तुम्हारे साथ बदला लूंगी इसका कब फिर कभी। सही किया ना, बताओ पहले नंबर दो 10 out of ये दो किसके लिए? क्या दो? हम दोनों करेंगे ना इसको, फूटेंगे रबेंगे ना जब टाइम। ना फातिमा ना करो फातिमा, ट्राई कर फातिमा तुमने क्या किया है, पहले सारा कचरा मचा दिया साली। फातिमा तुमने मेरा इतना महंगा पार्टी पॉपर बिखेर दिया, अब तुम उठो पे सिंचेंट कर रही हो भैया, मेरे से गलती हो गई भैया। फातिमा ने पहले ही फोड़ दिया है सारा, आपको देंगे कचरा कचरा कर दिया सारा, दिखे ना फुटते है ना। मैं तुम्हें क्या बोलूं फातिमा, चलो यहाँ से चलो, तुम इसे सारे फोड़ दोगी। मेरी इतनी प्यारी सेटिंग खराब करने आ गई है, और मेरे से नुक्स निकालने आई थी। चल चल पापा जी देखे कैसा हुआ है, देखे देखे अच्छा किया है। ये फाड़ फूल लिया के खाकू लिया? नहीं नहीं कुछ भी नहीं खाया, ये फातिमा आई गलती से उससे फट गया, ये तो चल जाते हैं। हाँ वही ना, लेकिन अच्छा हुआ डेकोर बलून्स भी लगा। आप ही आए ना तो आप ही कहना हम फाड़ फूल लिया, हमने फाड़ फूल लिया, हम लेट हो उसको कहेंगे पहली पार्टी हो गई है। ये फूलों को पानी में डाल के रख दिया, वो आपकी जो फिश है वो भी पानी में छोड़, उनको भी इसी पानी में डाल देते हैं, खुश होने वो भी फ्रेश रहेगी। और गाइस फाइनली मुझे मैसेज आ गया हरी भाई का कि आप भी लोग बाहर आ गए हैं, तो गाइस उठ जाओ पार्टी को, मैं तुम्हें पकड़ा दिया है, फातिमा तुम्हें भी पकड़ा दिया, आप भी उठ जाएं। चले चले चलो चलो लाइट्स ऑफ करो, इधर आओ लाइट्स ऑफ सारी करते हैं फटाफट, क्योंकि वो बाहर आ चुके हैं तो हमें लाइट्स ऑफ सारी करनी पड़ेंगी। और शोर तो बिल्कुल नहीं लगा, तुम लोग ना कहीं इधर उधर बैठ जाओ ठीक है, और लाइट कौन ऑन करेगा, लाइट कौन ऑन करेगा, आप ऑन करेंगे ठीक है, तुम इधर बैठ जाओ मैं भी तेरी कहीं बैठ जाती हूँ। जाना तुम कैमरा, जाना में भी बैठना। जैसे वो एंटर होगी हम लोगों ने पता चले पार्टी ऊपर एंटर में फुटे। तो गाइस ये टाइम के टाइम ना फटता नहीं है क्योंकि ना वो मेरा फट जाएगा, अटक जाता है हाथ। पापा तुम्हारा अटक जाएगा, कैमरा पकड़ो। राधा चुप करो चुप करो चुप करो यार, दरवाजा कौन खोलेगा, मेरा भी तो सारे वो टूट यार, ये पकड़ लेंगे तो मैं खोलूंगी कैसे। अभी मैं अभी कहते फटाफट बंद कर लो, इन लोगों ने पहले दरवाजा खोल।
नहीं है। दादा मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने बोला था कि नहीं। मानो फोड़ दे यार, जल्दी कर यार सारा सामान। मानो फोड़। मम्मा भी चढ़ी तेरी लाइट पे उड़ कर खड़ी हुई है। नहीं खुलेगा, मैंने कहा था ना नहीं खुलेगा। प्रोग्राम तो बढ़ गया, राबिया का डेकोर देखो भाई। राबिया ने बहुत मेहनत लगा करके सरप्राइज प्लान किया है। मैं राबिया की गवाही देती हूँ, राबिया ने बहुत मेहनत की है। चलो गाइस, ये 3 मिलियन का केक है। छुरी मेरे मुंह पे लग जानी थी यार। कैंडल कैंडल नहीं है कोई? पिछली दफा ना अनार कैंडल मेरे हाथ पर लग गई थी, तो प्लीज माचिस क्यों, पुप्पी को बुला लो। तुम्हारे लिए 800 रुपए के पूरे फूल खरीद के, और राबिया का मैं तुम्हें बता दूं, सबके ऊपर 8000 रुपए का खर्चा हुआ। उसके अकाउंट में भेज देना। एस्ट्रोलॉजी के 3 मिलियन सबने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और ये कितने, ये 6-7 सालों की मेहनत है। हमने माइलस्टोन फिर से अचीव कर लिया, बस अब इसको 4 मिलियन करो, 5 मिलियन करो, 10 मिलियन फिर वो गोल्ड आएगा इंशाल्लाह। 5 मिलियन बे, मैं अपने बाल लाल करा रातों रात आप ही के 5 मिलियन कराती हूँ किसी तरह, मतलब कॉल शॉल लगाती हूँ। अपने बाल कभी डाय नहीं किए, अगर मेरे मेरे 6 मिलियन हो गए ना, ये बालों वाला भी जैसे आप ही पूरे लाल मत करवाना। चले 5 एकदम रात रात गायब है, अंडा रह जाए। डकी भाई गंज करवा रहे, तुमने बाल लाल करवा दे। ये मुझे उन्होंने ही मशवरा दिया, तुम बाल लाल करा दो। चलो भाई केक शेक काटो और सेलिब्रेट करो। ओके गाइस, सो फाइनली सब कुछ हो गया, बहुत मजा आया। होप सो कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।